मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ब्लॉग्स मैंने मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी मैं अपने लिए गर्म पानी करने के लिए आई हूँ। पानी गर्म होगा तब तक ये जो रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। और अब पानी मेरा गर्म हो चुका है। गर्म पानी पीने के बाद मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मशीन लगाने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ और किचन में आज मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। यहाँ पर ये जो स्लेफ और टाइल्स को मैं साफ करी हूँ, यहाँ पर आज मैं गैस को सेट करूँगी। और आप सब ने भी मुझे बहुत अच्छा सजेशन किया है कि गैस को बिल्कुल अलमारी के नीचे नहीं रखना चाहिए। और साथ में ये भी सजेशन किया है कि दोनों अलमारी के बीच में जो जगह बनी हुई है यहाँ पर आप गैस को सेट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आपका सजेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन यहाँ पर गैस को सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस को सेट करने के लिए सबसे पहले तो स्लेप में एक होल होना चाहिए जिसमें से गैस की पाइप को नीचे निकाल के और अलमारी के अंदर सिलेंडर को रख के यहाँ पर सेट किया जा सके, तो वो यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और दूसरा, अगर मैं ऐसे ही इसको रख के और सिलेंडर को अलमारी के अंदर रख देती हूँ तो अलमारी की जो खिड़की है ये बंद नहीं होगी, आधी ओपन रहेगी, तो ये काम करते टाइम बार बार नीचे पैरों पर लगेगी तो चोट लगने का भी डर है। तो ऐसे में अगर मैं सिलेंडर को बिल्कुल अलमारी से बाहर रख देती हूँ तो आप समझ सकते हैं कि किचन एकदम से बिखरा हुआ सा लगेगा कि सिलेंडर बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ की लुक बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं गैस को वहाँ से उठाकर और यहाँ पर सेट कर दूँगी, तो मेरा जो सिलेंडर है वो सिंक के नीचे जगह बनी हुई है यहाँ पर मैं उसको सेट कर दूँगी। तो जो यहाँ वाली खिड़की है ये थोड़ी सी फोल्ड होने वाली है, तो इस वजह से यहाँ से पाइप निकल आएगी और ये बंद हो जाएगी, तो यहाँ पर काम करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वजह से आज मैंने यहाँ पर साफ कर दिया है और अभी मैं यहाँ पर इसको गैस को रख देती हूँ। और फिर इसके पापा जी को बुला लिया है कि इसको यहाँ पर रखवा दो, क्योंकि अगर मैं अकेले रखूँगी तो फिर पहले मुझे रेगुलेटर निकालना पड़ेगा, फिर मैं गैस को रखूँगी, फिर सिलेंडर को सेट करूँगी। तो ऐसे में हमने दोनों ने उठाकर और आज इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर मैंने जो गैस को सेट किया है ये यहाँ पर ठीक है या फिर जैसे पहले रखी हुई थी वहीं पर ठीक था। तो आप मुझे ये सजेशन जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर सही है या पहले वाला ठीक था। तो फ्रेंड्स, गैस को मैंने दूसरी तरफ सेट कर दिया है, लेकिन अब सिर्फ गैस को सेट करने से काम नहीं चलेगा, पूरे किचन को ही सेट करना पड़ेगा। जैसे कि पहले मेरी गैस यहाँ पर रखी हुई थी तो खाना बनाते टाइम हल्दी मसाले के जितने भी डिब्बे थे यहाँ ऊपर अलमारी में रखे हुए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब गैस को दूसरी तरफ रख दिया है तो ये हल्दी मसाले के डिब्बे निकाल कर मुझे गैस के सामने वाली अलमारी में सेट करने पड़ेंगे ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर ऐसे में मुझे पूरा ही किचन चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ की बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और खिड़की वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ की अच्छे से सफाई कर दी है और अब यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जैसे कि फ्रेंड्स, सुबह मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे तो इनको अभी मैं नहीं धो पाऊँगी क्योंकि किचन सेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो फिर ऐसे में झाड़ू लगा के पहले मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, नहीं तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और खाना बनाने के बाद ही मैं कपड़े धो पाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धोकर अभी मैं किचन में आई हूँ और अब 11 बज चुके हैं, तो आज मैं खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। ऐसे में आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी, तो कढ़ी चावल जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं और मेरे घर में कढ़ी चावल खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने गैस पर पानी को बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, पानी बॉयल हो चुका है तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, गैस का फ्लेम कम कर दिया है, तो धीरे धीरे मेरे चावल पक जाएंगे, तब तक मैं साथ में कढ़ी को भी बना लूँगी क्योंकि चावल ही थोड़ा देर से पकेंगे, कढ़ी तो जल्दी से बन जाती है। तो अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो खाना भी हमारा बनके तैयार हो गया है, अब मैं सबको डाल के और दे देती हूँ। सबको खाना खिला के फिर मैं खुद खाऊंगी, बर्तन वर्तन साफ करके, और उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी। तो आप भी आ जाइए, खाना हमारा बन के रेडी है, आप भी खा लीजिए। फ्रेंड्स,
से ये 2 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि किचन के काम से फ्री होने के बाद मैंने कपड़े धोना शुरू किया था और कपड़े भी मैंने 3-4 दिन पहले धोए थे तो काफ़ी हो गए थे, तो टाइम लग गया। लेकिन अब मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो कुछ मैंने जहाँ पर मशीन रखी है वहीं पर सुखा दिए हैं और बाकी के मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। आजकल मैं छत पे कपड़े डालने के लिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि मशीन में ड्राई करने के बाद नीचे ही सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैं नीचे ही डाल देती हूँ। और अभी कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और फिर पोछा लगाने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी, तो मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने सब काम से फ्री होने के बाद अब मैं नहा कर आई हूँ और साथ के साथ अब मैं अपने बालों में कंघी भी कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ नहीं करती हूँ तो फिर आलस आना शुरू हो जाता है और कई बार तो 1-1.5 घंटे बाद ही कंघी हो पाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं नहा के आऊँ तो साथ के साथ अपने बालों में कंघी कर लूँ। और अब बालों में कंघी करने के बाद फिर मैं कुछ देर के लिए नीटिंग का काम करूँगी। वैसे तो फ्रेंड्स, मुझे 1.5-1.75 घंटे के लिए रेस्ट करना है, लेकिन अभी नहा के आई हूँ तो तुरंत मुझे नींद भी नहीं आएगी, तो फिर थोड़ी सी देर अगर मैं नीटिंग का काम कर लूंगी तो फिर आलस आना शुरू हो जाएगा और 1.5-1.75 घंटे के लिए मैं सो जाऊंगी, तो मुझे आराम भी मिल जाएगा। तो इसलिए अभी मैं कंघी करके और कुछ देर नीटिंग का काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये शाम 5 बजे का टाइम है और अभी हम यहाँ दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं, और हमारे घर में चाय हम दोनों ही पीते हैं और कोई भी नहीं पीता है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद कुछ काम करूँगी और काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बवासीर की दवाई बताई हुई है, तो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि इन गोलियों को बनाकर क्या हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें फ्रिज में ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन पहले 3 से 4 दिन के लिए इन गोलियों को पंखे के नीचे सुखा लीजिए, फिर किसी भी जार में भर के आप रख सकते हैं। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि इन गोलियों को हम कितने दिन तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक खा लीजिए, 1 महीने में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक खाना भी चाहो तो खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स मुझसे ये जानना चाहते हैं कि आपके यूट्यूब पर 3-3 चैनल हैं, तो यहाँ तक का आपका जो यूट्यूब का सफ़र है वो कैसा रहा है, यूट्यूब पर आने के बाद आपका अनुभव क्या कहता है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे आपके इस कमेंट से जो आपने मुझसे पूछा है इससे समझ में आया है, तो आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि YouTube पर आने के बाद क्या आपको भी बैड कमेंट्स मिले हैं? तो फ्रेंड्स, ये रोज़ मिलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मुझे बैड कमेंट्स नहीं मिलते हैं और तीनों ही चैनल पर आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखती हूँ। जो लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को याद करती हूँ। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, और ये हर जगह पर होते हैं। YouTube पर भी आ जाते हैं, कहीं पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर परिवार में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि जब कोई जहाँ ऑफिस वगैरह में काम करता है तो उसे वहाँ भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि उसको परेशान करना चाहेंगे। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर भी उन्हें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो उनको परेशान करना चाहेंगे। अब ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि कोई मुझे परेशान करना चाहेगा, मैं उससे परेशान होंगी या नहीं होंगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब सामने वाला मुझे बैड कमेंट्स करके जा रहा है लेकिन मैं उससे परेशान नहीं हो रही हूँ, तो वो जो कमेंट्स करके गया है यानी वो हद से ज़्यादा परेशान है। तो भाई, इस तरह के कमेंट्स हर किसी को आते हैं, यूट्यूबर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखना चाहिए। और फिर ये भी होता है कि जो बैड कमेंट्स करते हैं लोग, वो अंदर से बेचारे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उस दुख को व्यक्त करने का उनके पास कोई साधन ही नहीं बचता है, तो उनका अंदर से मतलब इतनी बेचैनी हो जाती है कि मैं अपने दुख को बाहर कैसे निकालूं कि मैं सामने वाले को दुखी कर सकूं। तो इस वजह से वो बैड कमेंट्स करता है ताकि उस यूट्यूबर को मैं इतना परेशान करूं, मेंटली मैं इसको टॉर्चर करूं ताकि ये यहाँ पर काम करना छोड़ दे।
अब मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं उनके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। या तो उनको रिमूव कर देना चाहिए, अगर कोई बार बार परेशान करता है तो हमारे पास इतनी पावर होती है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट एंड स्पैम कर सकते हैं, ये हमारे पास पावर है। तो मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ। तो इस तरह के कमेंट्स हर किसी को आते हैं, और मेरे तीन चैनल हैं तो मेरे तीनों ही चैनल पर आते हैं, और ब्लॉग्स पर तो लगभग 10 कमेंट्स तो इस तरह के रोज आते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि अपने से ज़्यादा समझदार, अपने से ज़्यादा शाणा किसी को भी नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ही दुनिया भर का पता है, और ये जो वीडियो बना रहा है ये तो पागल है, ये तो नॉनसेंस है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये यूट्यूब पर क्यों आ गया है, इसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था। तो भाई रोका किसने है, आप भी आ जाओ, आपको किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है। लेकिन ये अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि खुशियाँ बांटो तो खुश रह पाओगे, अगर किसी को दुख देने चलोगे ना तो पहले खुद दुखी हो जाओगे। यानी जब कोई किसी को बैड कमेंट्स करता है ना, तो पहले वो खुद दुखी होता है, फिर सामने वाले को वो बैड कमेंट्स करता है। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के अंदर गुण देखो कि इसमें गुण क्या क्या हैं, तो अपने आप सुख मिलेगा। लेकिन अगर किसी को घर बैठे बिठाए दुखी होना हो तो दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिक अपने अंदर एक दुख पैदा हो जाएगा। तो इस वजह से भगवान भी यही कहते हैं कि दूसरों में अच्छाई ढूंढना शुरू कीजिए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि खुद को बदलो तो दुनिया बदली नजर आएगी। तो मेरा नज़रिया ये कहता है कि खुद को बदल लो, दुनिया तो अपने आप ही बदली नजर आएगी। इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अगर मान लिया हमें 100 लोग अच्छे मिले हैं और 2 बुरे भी मिल गए हैं, तो फिर उस बुरे का रोना लेकर के क्यों हम सारा दिन अपना टाइम खराब करें। क्यों ना जो लोग अच्छे हैं, जिनकी बातें अच्छी हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, क्यों ना हम उन्हें याद करके खुश होएं सारा दिन, और खुश होएंगे तो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और अगर उस 2 लोगों की बातों को याद करेंगे तो हमारा माइंड अपसेट हो जाएगा, और फिर किसी भी काम को हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं तो नहीं करती हूँ। और संत कबीर दास ने भी ये कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजो आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो भाई इस संसार में दूसरों में बुराई खोजने से पहले अपने अंदर में झांक कर देखिए, हमारे अंदर इतनी कमियां होती हैं। अगर हम पूरा दिन बैठ के और एक पूरी लिस्ट बनाएं अपनी कमियों की, तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो कमियां हमारी ठीक नहीं हो पाएंगी। हम दिन भर इतनी गलतियां करते हैं। तो दूसरों को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, और अगर YouTube पर आए हैं तो फिर इन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हेटर भी आएंगे, बैड कमेंट्स भी आएंगे, डिसलाइक भी आएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपना काम करना है, अच्छे से करना है। जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले हैं, व्यूवर्स मिले हैं, उनके लिए काम करना है, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें देखना चाहते हैं, हमें देखकर खुश होते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए डेली आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही, और मेरे जो बहुत ही प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, उनको दिल से थैंक यू करती हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।